दर्शन न्यूज। अग्निवीर शहीद जवान प्रदीप का शव पहुंचा गांव, क्षेत्र में मचा कोहराम, हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। सिवान जिले के दरौली प्रखंड क्षेत्र के दोन के रहने वाला अग्निवीर जवान शहीद प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर आज गांव पहुंचते ही हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं भारत माता की जय से क्षेत्र गूंज उठा। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अखनूर के टांडा इलाके में मंगलवार को अपनी ड्यूटी पर तैनात प्रदीप यादव को अचानक गोली लगी। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिवान जिले के दरौली प्रखंड के दोन निवासी शंभू यादव के पुत्र प्रदीप कुमार यादव टांडा क्षेत्र के 24 फील्ड रेजिमेंट के सेंटर पोस्ट पर तैनात था। मौत के पश्चात सेना के अधिकारियों की तरफ से कारणों का अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शहीद प्रदीप की उम्र मात्र 21 वर्ष थी। वर्ष 2022 में फरवरी के महीने में प्रदीप अग्निवीर ज्वाइन किए थे। वहीं बताया जाता है कि जब पहली बार वर्दी के पश्चात अपने गांव आया तो ढोल बाजा के साथ उनका ग्रामीणों ने स्वागत किया था। वहीं फूल माला पहनाकर सम्मान पूर्वक ढोल नगाड़े के साथ दरवाजे तक आए थे, जहां पर मां ने चंदन तिलक लगाकर उनका स्वागत भी किया था। ग्रामीणों के अनुसार प्रदीप अपने देश के लिए शहीद हो गया है। वहीं उनका पार्थिव शरीर पहुंचते ही हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। अंत में उनका अंतिम संस्कार के सरयू नदी के तट पर पूरे सम्मान के साथ कर दिया गया। सिवान से रोहित गुप्ता की रिपोर्ट। आपको कमर और कमर के नीचे दोनों या एक पैर में दर्द या झिनझिनाहट रहता है या नसों में होती है दर्द, तो आपको साइटिका हो सकता है। अब पाए फ्री में इलाज, जल्द संपर्क करें सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पोस्ट बरेजा, थाना माझी, जिला सारण, बिहार, या अभी कॉल करें 9931252609।